सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा सदैव आप पर यूं ही बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का। बसंत पंचमी से जुड़े तमाम प्रश्न आपके जहन में भी होंगे। पीले वस्त्र ही क्यों धारण किए जाते हैं, माँ सरस्वती की पूजा ही क्यों, जी हाँ राशि अनुरूप क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर आचार्य विजया जी से। शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरु माँ का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, और आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना आप सबको। जी आचार्य जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि बसंत पंचमी होता क्या है। देखिए, बसंत पंचमी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस वर्ष में सारे त्योहारों की जो शुरुआत रहती है वो बसंत पंचमी से रहती है। आज के दिन ब्रह्मा जी ने उत्पादन किया था सरस्वती जी का इस दुनिया में। सरस्वती जी जो है उनका जन्मदिन है आज के दिन। सरस्वती जी जो है वो है ज्ञान की, विद्या की अध्यात्री देवी। तो आज के दिन दो ऋतुओं का भी मिलन होता है। ठंड से हमारा जो देश है वो थोड़ा सा बसंत की तरफ जाने लग जाता है, फूल आने लग जाते हैं। कामदेव का भी जन्मदिन कई लोग मनाते हैं आज के दिन। खाली विद्या बुद्धि का ही नहीं, प्रेम का भी दिन होता है, जिसको कि जैसे हमारे देश का वैलेंटाइन डे कहा जाता है ना, वो भी आज ही के दिन होता है। सरस्वती जी की पूजा होती है, विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर दिन रहता है आज का। जी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना का आज किस प्रकार शुभारंभ किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि माँ की सरस्वती वंदना द्वारा ही आज शुभारंभ किया जाता है, तो विद्यार्थी गण आज के दिन क्या कुछ विशेष कर सकते हैं ये आप हमें बताएं। जी देखिए, विद्यार्थी आज के दिन बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद पा सकते हैं माँ सरस्वती से। खासकर वो माताएं और बहनें जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं ना, जिनके बच्चे पढ़ते हैं और जिनकी एकाग्रता नहीं होती या कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है या बैठकर पढ़ते नहीं हैं घंटों, या वो विद्यार्थी जो किसी भी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, उनके लिए आज का दिन जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो विद्यार्थी जो कि संगीत के विद्यार्थी हैं वो लोग बहुत आज के दिन अपने लिए मेहनत कर सकते हैं। वो लोग जो कि गाने से, संगीत से, कुछ किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, उन सब के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी आज के दिन अगर सरस्वती पूजा करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। सरस्वती माता का आशीर्वाद लेने का बहुत सुंदर दिन रहता है। आज उनका जन्मदिन है, आज वो धरती पे उतरती हैं, आज आप मांग सकते हैं उनसे हर विद्या बुद्धि ज्ञान। अब जिस गाना गाने की शक्ति आपकी वाणी की, वो अध्यात्री देवी हैं। दो जो ग्रह हैं बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह, उनके अंतर्गत आते हैं। अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ चाहते हैं, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी अटक अटक के बोलता है, वाणी से संबंधित कोई भी दोष है, सुनने से संबंधित अगर आपके घर में किसी को भी दोष है, अगर आपके घर में किसी को भी मानसिक कोई रोगी है या मानसिक कोई तनाव रहता है, या थोड़ा सा मंद बुद्धि जिसको कहा जाता है, स्पेशल लोग होते हैं वो है, उनके लिए भी आज आप पूजा कर सकते हैं सरस्वती जी की, और उनके आशीर्वाद पाके उनको अच्छे भविष्य की ओर और अच्छी सेहत की ओर आप लोग ले जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है ये आज का। कोई आज के दिन से जुड़ा कोई शुभ मुहूर्त भी है तो वो भी आप हमें बताएं। जी देखिए, सरस्वती जी की पूजा का वैसे तो मुहूर्त जो है वो 7:15 बजे से लेके 12:30 बजे तक है बसंत पंचमी के दिन, परंतु संध्या काल होता है जब सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय के 2.5 घंटे तक और सूर्य अस्त के 2.5 घंटे तक आप सरस्वती माँ की पूजा आराधना उपासना कर सकते हैं। जी काफ़ी सारे हमें लोग ऐसे भी देते हैं कि जो लोग पीले वस्त्र ही धारण करते हैं, पीला भोग लगाते हैं, विशेषता इस पीले रंग का क्या संदर्भ है, इन सब इन तमाम चीज़ों से आप हमें बताएं। जी देखिए, बसंत ऋतु होती है, पीले रंग के फूल आप देखते हैं, गेंदा, हर तरह के पीले पीले रंग के फूल तो उगते ही हैं, वो अलग बात है, परंतु सरस्वती जी को बहुत पसंद है पीला रंग। अगर आप पीले रंग का भोजन, देखिए पीले चावल बनाने की बहुत प्रथा है आज के दिन, पीला हलवा बना सकते हैं आप,
कढ़ी बनाइए, पीला खाएंगे आप तो सरस्वती जी आपके बच्चों में आपके घर में हमेशा के लिए रहेंगी। देखिए हर देवी को दिया गया है एक कार्य, जैसे लक्ष्मी जी को पैसे के लिए कहा गया है ना, ऐसे ही सरस्वती जी को विज्ञान विद्या। देखिए आप कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर आपके पास अच्छी बुद्धि नहीं है ना तो आप अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उस पैसे का। अच्छी बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे कैसे बनेंगे। तो इसलिए इनका पीले रंग से भोग लगा के, क्योंकि उन्हें प्रिय है पीले रंग का खाना, प्रिय पीले रंग के कपड़े। अगर हम जब श्रृंगार भी करते हैं ना आज के दिन सरस्वती जी का, तो उनको पीले रंग की साड़ी चढ़ाई जाती है, पीले रंग के उनको चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। माता जैसे लाल रंग की नहीं, इनको पीला रंग प्रिय है, इसीलिए स्वयं भी अगर हम पीला कपड़े पहनकर उनकी पूजा करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न रहती हैं। तो पीला वस्त्र, पीला जो भोजन पदार्थ है बहुत पसंद है सरस्वती जी को, पीले फूल बहुत पसंद है उनको, तो इसलिए पीले का रंग केसर बहुत पसंद है उनको। तो इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल पूजा में करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न रहती हैं। आप कम से कम पूजा भी ना करें, पीले वस्त्र तो आज के दिन आप अवश्य पहनें। आचार्य जी, हमारा जो भी त्यौहार होता है उसमें कहीं ना कहीं कथा जो है वो जरूर शामिल होती है, सम्मिलित होती है, तो आज के दिन से जो भी कोई कथा है तो वो भी आप हमें बताएं। जी आज के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है कि आज के दिन श्री राम ने जो है, देखिए उनका जन्म तो हुआ ही था, ये कथा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने उनकी उत्पत्ति की थी इस धरती पर ताकि ज्ञान और बुद्धि हो लोगों में। इसके अलावा आज के दिन राम जी ने शबरी से बेर खाए थे, और ये तो बात हुई त्रेता युग की। अगर हम द्वापर युग में जाते हैं तो श्री कृष्ण का भी कई जगह व्याख्यान आता है कि वो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा करते थे। इसके अलावा आज भी अगर आप जाएंगे वृंदावन में, आज ही के दिन होली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है, अबीर लगाया जाता है सरस्वती जी को और बांके बिहारी जी को। तो बहुत ही इसकी कथा है कि इससे ही शुरुआत आज से ही होली के उत्सव की भी त्यौहार हो जाती है, कई त्यौहार की शुरुआत हो जाती है कई जगहों पर। आचार्य जी, अभूज मुहूर्त भी हमने कुछ सुना है, तो इसका क्या तात्पर्य होता है और ये किस दिन है, ये भी आप हमें बताएं। आज का दिन जो रहता है वो अभूज मुहूर्त रहता है। आज के दिन आपको किसी भी पंडित के पास, किसी भी पंचांग को देखने की जरूरत नहीं होती। आज के दिन कई तरह के शुभ कार्य आप कर सकते हैं। आज के दिन प्रथा है छोटे बच्चों को अन्न प्रशान कराने की। आज के दिन कोई विवाह करना हो, कोई सगाई करना हो, आप वो कर सकते हैं। अपने छोटे से बच्चे को अन्न का आप निवाला आज के दिन करें तो उस बच्चे की जिव्या पे कहते हैं सरस्वती जी का वास हो जाता है। आज के दिन अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं उसका ब्याना करें। आज के दिन अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो आप वो दुकान आज के दिन खोलें। कोई भी शुभ कार्य, कर्ण वेदन से लेके बड़ा कार्य, शादी विवाह तक, अगर सगाई तक अगर आप करना चाहते हैं तो आज के दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत होती नहीं है। केवल तीन ही ऐसे दिन हैं हमारे हिंदू शास्त्र में जिसमें पंचांग को नहीं देखा जाता, उसमें से एक बसंत पंचमी है, एक अक्षय तृतीया है, एक देव उठानी एकादशी है। तो आज के दिन आप कोई भी शुभ कार्य करें, किसी भी कार्य की शुरुआत करें, आज का दिन उसके लिए बहुत ही शुभ रहता है। जी आचार्य जी, संगीत से जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्या कुछ विशेष कर सकते हैं आज के दिन? जी जो भी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनका नाम हो, तो वो आज के दिन सरस्वती माता की पूजा अवश्य किए। वो किसी भी पवित्र सरोवर नदी में जाके सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र पहनकर सरस्वती जी को केसर कसे बनी कोई भी मिष्ठान अगर वो चढ़ाते हैं तो उनका जो जीवन है वो सफलता की ओर चलता चढ़ा जाता है। जब वो पूजा करें तो जो मीठा आप चढ़ाएंगे उसके बाद वहीं पे बैठकर आपको बैठना चाहिए। और सरस्वती जी का जो एक मंत्र है, एक बीज मंत्र मैं आपको देती हूँ, एंग एंग, इस शब्द का आप 108 बार अगर ये लोग इसका उच्चारण करते हैं एंग शब्द का, तो उनका जो जीवन है और सफलता की और उनको गायन के क्षेत्र में, बजाने के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, ये सब कुछ सरस्वती जी के ही अंतर्गत आता है। उनको प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें 54 बार, 108 बार, आधा घंटा, जितना देर आज आप कर पाएंगे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और वो इसमें तरक्की पाते हुए चले जाएंगे। आचार्य जी, आप हमें हमेशा राशि अनुरूप भी बताती हैं कि क्या कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, तो वो उपाय क्या हैं आप हमें बताएं। जी आज हम राशि की बात करें तो मेष राशि से करते हैं शुरुआत। आज के दिन लाल रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना है आपको, पीले रंग का वस्त्र पहने और आपको लाल रंग के वस्त्र बल्कि दान करने चाहिए। जो मेष राशि के जातक हैं, लाल रंग के वस्त्र आप दान करें।
बात करती हूँ मैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों को आज के दिन सुगंध लगानी चाहिए गुलाब की या किसी सफ़ेद फूल की, तो आपका जो जीवन है पूरा साल वर्ष भर तक खुशमय बना रह सकता है। बुध राशि के जातकों को आज के दिन पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए सरस्वती माता को, तो उनका जो भी उनका व्यापार है और उनकी बुद्धि है वो उज्ज्वलता की ओर बढ़ती चली जाएगी। बात करती हूँ मैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों को आज के दिन अपना घर सुगंधित रखना चाहिए। अब ये नहीं मैं कह रही कि आप बहुत सारी धूप अगरबत्ती अपने घर में जला के धुआं कर दें, पर कुछ ऐसी मीठी मीठी से सुगंध आपके घर में आज के दिन आनी चाहिए। बात करती हूँ मैं सिंह राशि के जातकों की। आज के दिन आपको जो सरस्वती माता है उनको केसर से बना कोई भी पदार्थ चढ़ाना चाहिए और आपको गेहूँ दान करनी चाहिए जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं आपके समाज में। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों को आज के दिन हरे रंग के जो पत्ते हैं वो गाय को खिलाने चाहिए, तो उनका जो जीवन है उत्तमता की ओर जाता जाएगा। और आज के दिन आपको एक पेन लेना चाहिए और जो अपने गुरुजन हैं हरे रंग की शाही का पेन लेकर अपने गुरुदेव को देना चाहिए, इससे आपके जीवन में वर्ष भर सफलता आती चली जाएगी। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जो जातक हैं आज आपके घर में भी सुगंध बहुत होनी चाहिए। आप फूल लगा सकते हैं सफ़ेद रंग के फूल, रजनीगंधा के फूल अगर आप अपने घर में आज लगाते हैं, सरस्वती माता को चढ़ाते हैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं जी आज मुझे सफ़ेद फूल नहीं मिला, तो मैं उनको कहती हूँ माता को आपसे ये नहीं है कि आप जाएं 10 जगह जाएं और आप सफ़ेद फूल लेकर आएं। आप एक मानसिक पुष्प आप ध्यान करें कि आप माता को सरस्वती माता को एक सफ़ेद फूल अर्पित कर रहे हैं। माँ हमेशा भाव की भूखी होती है। माँ आप कोई भी माँ हो, चाहे धरती पे आपकी माँ है चाहे सरस्वती माता है, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपसे भाव चाहिए। अगर आप भाव करके कि एक सफ़ेद फूल मैं माता के चरणों में चढ़ा रहा हूँ, उस भाव से ऐसे आप करके आप चढ़ाएं तो आपका पूरा वर्ष भर बहुत अच्छा और बहुत सुख में जा सकता है और आपकी मानसिक स्थिति जो है, जो अब चंचलता रहती है तुला राशि के जातकों में, उसमें भी मैं देखती हूँ बैलेंस आ सकता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको आज के दिन लाल कपड़ा दान करना चाहिए किसी भी ज़रूरतमंद को। इसके बाद मैं बात करूँगी धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों को आज केसर अपने माथे पे घिस के अवश्य लगाना चाहिए और माता सरस्वती को कोई भी पीला वस्त्र जरूर अर्पण करना चाहिए ताकि वर्ष भर सुख और समृद्धि उनके जीवन में आती रहे। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी मकर राशि के जातक। मकर राशि के जो जातक हैं उनको तिल से सफ़ेद तिल की बनी चीज़ माता को अर्पण करनी चाहिए। इसके बाद मैं कुंभ राशि के लिए भी यही कहूँगी कि तिल से बने व्यंजन उनको बांटने चाहिए, मीठी चीज़ें उनको गरीब कन्याओं में बांटनी चाहिए। मीन राशि के जातकों को कोई भी पीला ऋतुफल अगर वो बांटते हैं तो संपूर्ण वर्ष उनके जीवन में शुभता बनी रह सकती है। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं और अगर आप उपाय के साथ सरस्वती जी का मंत्र ओम एम श्रीम रीम सरस्वताय नमः का जाप करते हैं तो वर्ष भर आपके जीवन में जो है शुभता और आपके जीवन में आपकी बुद्धि अच्छी जो है वो सरस्वती जी रखेंगी। देखिए ज्ञान जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ज्ञान के बिना अगर कितना भी पैसा आपके पास आ गया, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए उनको भी सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए ताकि उनकी जो बुद्धि है वो अच्छी बनी रहे। जी बहुत ही खूबसूरत जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे तमाम दर्शकों को दी, लेकिन आज के दिन से जुड़ा महा उपाय जो हर व्यक्ति कर सकता है वो भी चलते चलते अवश्य बताएं। जी एक बहुत सुंदर उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जो भी व्यक्ति अगर बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या कॉन्फिडेंस लेवल कम है या आपके बच्चे का थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है या आपका बच्चा किसी भी म्यूज़िक क्षेत्र में आना चाहता है, गाना गाना चाहता है, कुछ बजाना चाहता है, मीडिया में आना चाहता है, उसको थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ आप ये कृपा करके ये उपाय आप अवश्य करें। बहुत छोटा सा उपाय है। आप एक पीतल का चकोर टुकड़ा लें, आप सोने का भी ले सकते हैं, उस पर आप एंग लिखवाएं, ए उसके ऊपर मात्रा और एक बिंदी एंग लिखवाएं और आज के दिन उस बच्चे को पहना दें, वरना आने वाले वीरवार के दिन आप उसको पहना दें। आप देखिएगा उसके जीवन में सफलता आती चली जाएगी
आप ये भी ना कर पाए तो आप अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, देखिए देखते हैं आजकल बच्चे बहुत कॉम्पिटिशन्स में बैठ रहे हैं, IAS में बैठ रहे हैं, IPS में बैठते हैं, आप उन बच्चों के लिए उपाय करें 110% मैं कहती हूँ कि आपको शुभता मिलेगी। एक भोजपत्र पे एम लिख के उस बच्चे की जहाँ पे वो पढ़ाई करता है कोशिश करें उत्तर की ओर मुख करके वो बच्चा पढ़ाई करे, उसकी जो टेबल है जो दीवार है उसके ऊपर आप ये मंत्र एम लिख कर चिपका दें, वो बार बार इस मंत्र को देखेगा, अगर जाप नहीं करेगा देखेगा तो सही, उसको सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता चला जाएगा। ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत उत्तम मंत्र है सरस्वती जी का आशीर्वाद पाने के लिए, और अब बसंत पंचमी पे आप ये करें और आप सरस्वती जी का आशीर्वाद पाएं। आचार्य श्री आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जो भी उपाय गुरुमा ने हमें बताए हैं उन उपायों को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाइएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।